आज के अंदर घटा है। हमें डर लगने लगा कि आप में से कोई आदमी हमारी गोली मार देगा। हमें किस तरह पता चलेगा, किस तरह ये मैं पता होगा, मतलब जो जघन्य हत्याकांड हुआ है। 15 अप्रैल देर रात को अतीक अहमद व उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हमलावरों ने हत्या कर दी। जिस मामले पर जब डीएसपी नेता इमरान मसूद से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमको तो अब मीडिया वालों से ही डर लगने लगा है। देखिए, अपराधियों का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अपराध प्रयागराज के अंदर घटा है, हमें डर लगने लगा कि आप में से कोई आदमी हमारी गोली मार देगा। हमें किस तरह पता चलेगा, किस तरह ये मैं पता होगा, मतलब जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, वो सवाल ये नहीं कि मरा कौन है, सवाल ये है कि कितना बड़ा और किस दुस्साहस के साथ मारा गया है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उत्तर प्रदेश के अंदर उड़ रही हैं। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि कौन मारा गया, और जिस प्रकार उसको खेलने का काम किया जा रहा है वो घोर निंदनीय। वहीं जब इमरान मसूद से मीडिया वालों ने पूछा कि सहारनपुर प्रत्याशी को लेकर, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, तो जिस मामले पर इमरान मसूद ने जवाब देते हुए कहा कि यहां अन्य दलों के लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जिससे साफ है कि हमारी जीत निश्चित है। सर, आपने हालात देख लिए, रात एक और कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया। कैंडिडेट हंट प्रोग्राम जो समाजवादी पार्टी का चल रहा था, उसके अंदर एक कैंडिडेट और शहर के थे, वो विड्रॉ कर गया। फिर इम्पोर्टेड कैंडिडेट लाने की तैयारी है। तो ये जीत की अलामत है कि कोई शहर से, सबको पता है कि चुनाव जीतना है, तो शहर से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो जीतने का रास्ता इंशाल्लाह साफ है।